मैनपुरी शहर स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर ईद का त्यौहार एक दूसरे को गले मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस पर्व के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने भी लोगों के बीच जाकर समाज के लोगों को ईद की बधाइयां दी और शांतिपूर्ण ढंग से इस पर्व को मनाने के लिए धन्यवाद किया। तो वहीं समाज के लोगों ने भी एक दूसरे को गले मिलकर बधाइयां दी। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने बताया कि जनपद के विभिन्न स्थानों पर करीब 26 ईदगाह व 88 मस्जिदों पर नमाज अदा की गई और इस पर्व को शांतिप्रिय ढंग से मनाया गया, जिसके लिए जनपद के समस्त समाज के लोगों का धन्यवाद प्रकट किया। ये पर्व खुशी और सौहार्द का पर्व है। इसे आपसी भाईचारे के साथ पुराने लड़ाई झगड़े भूलकर एक दूसरे को गले मिलकर सिकवे गिले दूर करना चाहिए। यही ईद के पर्व का मुख्य उद्देश्य है। तो वहीं पर समाज के लोगों ने ईद के पर्व पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 26 ईदगाह और 88 मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, सकुशल संपन्न हुआ। कुर्बानी के बारे में ही बता दिया गया था कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगी, तो उसका कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। ड्यूटियां सभी मुस्तैद हैं, सकुशल संपन्न हुआ और पूरे दिन ये ड्यूटियां रहेंगी, जिससे कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।